हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कान्हा जी के लिए इस तरह की क्रोशिया से 3D रियलिस्टिक फ्लावर ड्रेस बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पोशाक बनाने के लिए हमें इस तरह से एक प्लेन पोशाक चाहिए होगी कान्हा जी की। तो इस ये वाली पोशाक हमने हमारी पिछली वीडियो में बनाई है, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से इस वीडियो को देखकर डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर आप इस ड्रेस को देख सकते हैं और इस तरह से ये बेस को तैयार कर लें। बेस बनाने के बाद अब हम यहाँ पर पहली पत्ती की लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जहां से हमने घेर बनाना स्टार्ट किया था, ये दो 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 ये जो डबल क्रोशिया लिए हैं, यहाँ पर हम ऊन जोड़ेंगे। ये जो दो लाइनों का जोड़ है ये वाला, हम यहाँ पर ऊन जोड़ेंगे। तो हम साइड से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे जो इसमें जॉइंट आए तो वो ज़्यादा सामने से नज़र ना आए, इसलिए तो इस तरह से यहाँ से साइड से यहाँ पर हमें ऊन जोड़ लिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर एक दो तीन चार चैन। चार चैन बनाने के बाद हम इसे नॉर्मली हम यहाँ से इस तरह से बुनते हैं सीधी तरफ से, लेकिन हम ये जो लाइन है ये उल्टी तरफ ऐसे बुनेंगे। तो इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर हम ये जो अगली जो स्टिच है, ये जो दो स्टिच, ये जो लाइन है जोड़ है स्टिच का, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। चार चैन बनाने के बाद हम ये पत्ती के लिए बेस बना रहे हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक दो तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे एक दो तीन जोड़। तीसरा जो हमारा जॉइंट है दोनों लाइनों का, इस पर हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे। अब हम फिर से बनाएंगे एक दो तीन चार चैन। चार चैन बनाने के बाद इसी स्टिच के जो अगला जो स्टिच के यहाँ पर ये जो जोड़ है ये, इस पर हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसके बाद फिर से हम बनाएंगे एक दो तीन चैन और इसके बाद हम यहाँ पर काउंट करेंगे एक दो और तीन। तीसरा ये जो है जॉइंट, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब फिर से हम बनाएंगे चार चैन, एक दो तीन चार। बनाने के बाद फिर से हम अगला जॉइंट है इस पर हम जोड़ देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन पर इसी तरह से हम ये बेस बनाते जाएंगे। फिर से बनाएंगे एक दो और तीन चैन और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से काउंट करेंगे एक दो तीन और यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन पर बना लेंगे। इस तरह से हमने तीन चैन बना ली, लेकिन जैसे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे दो का गैप बचा है, तीसरा हमारा ही ये वही स्टिच है जहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे। अब इस तरह से जोड़ने के बाद हम इस पर इससे इस तरह से, अभी हम ऐसे काम कर रहे थे, अब हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं उस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो चैन और ये जो हमारा, ये जो हमने चैन बनाई थी तीन की चैन, इस पर हम बीचों बीच में इस तरह से बस यहाँ पर हमें इसमें यहाँ पर हमें बस इस तरह से स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर आ जाएंगे। हम अपने धागे को यहाँ तक लेकर आना है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये जो हमारी चार चैन की रिंग है, अब इस पर हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसमें डालेंगे, रिंग के अंदर हुक डालेंगे, निकाल कर इस तरह से
अभी हमारे तीन धागे हैं, दो में से निकालेंगे, फिर दो में से इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी एक बन गई, हम बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, दो तीन और चार। इस तरह से हमारी चार डबल क्रोशिया बनने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर एक दो चैन और फिर से बनाएंगे इसी रिंग में यहीं पर चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और चार। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अभी जो तीन चैन की जो हमारी रिंग थी इस पर हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। उसके बाद ही हमारी पत्ती इस तरह से आएगी, एक पत्ती बनकर। अब इसके बाद फिर से ये जो चार चैन की रिंग है इसमें हम फिर से अभी यहाँ पर बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे दो चैन और फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और चार। इस तरह से चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये हमारी जो तीन चैन की रिंग है यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से जो चार चैन की रिंग है इस पर हम बनाएंगे चार डबल क्रोशिया और फिर बनाएंगे दो चैन, फिर बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये हर हमारी जो चार चैन की रिंग है उस पर हम इस तरह से पत्ती बनाते जाएंगे। अब ये इस तरह से ये पत्ती लास्ट पत्ती बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और धागे को कट कर लेंगे। इसमें से हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। अब इस तरह से एक बार और इसे इस तरह से हम निकाल कर लाइन को कंप्लीट कर देंगे और इस धागे को हम इन पत्तियों के नीचे से हुक डालकर इसमें हम इसे इस तरह से धागे को दबा देंगे। अब ये हमारी एक पूरी लाइन बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ये हम शेडेड इसमें फ्लावर बना रहे हैं। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हम थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। हमने लाइट पिंक कलर लिया है और ये हम ये जो आप देखेंगे इस वाली लाइन, ये दो लाइनों के जोड़ पर हमने ये पत्ती की एक लाइन बना दी। अब फिर से दो स्टिच के जोड़ पर हम यहाँ पर दूसरी पत्ती की लाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर धागे को इस तरह से हुक डालकर पहले जोड़ देंगे से। अब इस तरह से निकाल कर फिर से जैसे हमने ऊपर वाली लाइन बनाई थी सेम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। बनाएंगे एक दो तीन चार चैन। चार चैन बनाने के बाद ये जो हमारा ये जो दो स्टिच के जोड़ है इसी पर हमें वर्क करना है। तो ये जो अगला जो स्टिच का जोड़ है इस पर हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे। अब हम फिर से बनाएंगे एक दो तीन चैन और फिर से यहाँ पर सिर्फ हमें जोड़ काउंट करने, स्टिच नहीं करना, ये जो जॉइंट है इन्हें काउंट करना है। एक दो तीन, ये जो तीसरा है इस पर हम इसे जोड़ देंगे, यानी कि दो बीच में छोड़कर तीसरे पर हम इसे जोड़ देंगे। फिर से बनाएंगे चार चैन, एक दो तीन चार। चार चैन बनाने के बाद अगला जो जॉइंट है इस पर हम इसे जोड़ देंगे। फिर से बनाएंगे एक दो तीन चैन और फिर से यहाँ पर एक दो, दो जॉइंट को स्किप करेंगे यानी कि छोड़ देंगे। तीसरे नंबर का जॉइंट है इस पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम बनाएंगे चार चैन, एक दो तीन चार और फिर से हम अगले स्टिच पर हम इसे यहाँ पर अगले जॉइंट पर इसे
जोड़ देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से पूरी लाइन बनाने के बाद जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसे फिर से हम इसे टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हम बनाएंगे एक दो चैन और ये जो हमारी तीन चैन की जो रिंग है यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और बिल्कुल जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी ऐसे ही हम इसे बनाते जाना है। अब हम फिर से बनाएंगे चार चैन की हमारी रिंग है इस पर हम बनाएंगे चार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो चैन फिर से बनाएंगे चार डबल क्रोशिया एक दो तीन और चार। इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अब हम यहाँ पर ये जो तीन चैन की हमारी रिंग है इस पर हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे और फिर से अगले जो चार चैन की रिंग है इस पर हम चार डबल क्रोशिया दो चैन बनाएंगे फिर चार डबल क्रोशिया फिर से अगले पर जोड़ देंगे। इसी तरह से हम ये पत्तियां पूरे में बनाते जाएंगे। इस तरह से एक दो तीन चार इसके बाद बनाएंगे दो चैन और फिर से बनाएंगे यहां पर चार डबल क्रोशिया एक दो तीन और चार। इस तरह से बनाकर अगली जो हमारी चैन की रिंग है इस पर हम इसे जोड़ देंगे। इसी तरह से हमें पत्ती बनाते जाएंगे और ये पत्ती इन पत्तियों के नीचे इस तरह से दिखेंगी। अब इस तरह से एंड में धागे कट करके जहां हमने स्टार्ट किया था यहीं पर हम इसे बीच में इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर धागा कट करके इसमें से निकाल देंगे। फिर धागे को नीचे की तरफ पत्ती के इस तरह से दबा देंगे। ऐसे और इस तरह से ये हमारी दूसरी लाइन बनने के बाद ऐसे दिखेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने ये हर लाइन के जॉइंट पर हमको एक 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 लाइन बनानी है। आप ज्यादा बड़े कान्हा जी की बना रहे हो तो एक ही शेड के आप दो या लाइन बना सकते हैं, या आप छोटे कान्हा जी की बना रहे हो तो एक दो तीन शेड में ही इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हमारी पांच लाइन बनेगी, एक ही बन गई दूसरी, फिर एक इस लाइन पर बनेगी, फिर यहां पर बनेगी और फिर यहां पर बनेगी। हमें दो लाइनों के जॉइंट पर इसे बनाना है तो बस हमें इसके इससे थोड़ा सा डार्कर शेड हम हर लाइन में यूज करेंगे जिससे एक ओरिजिनल फ्लावर का इसमें लुक आए। अब जैसे हमने यहाँ व्हाइट क्या है, यहाँ लाइट पिंक क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लाइट पिंक है ये, यहाँ पर हम इसको ये वाली लाइन बनाएंगे, फिर इसके बाद हम ये वाली ऊन यूज करेंगे और इससे हम ये वाली लाइन बनाएंगे और फिर रेड कलर से ये। तो इस तरह से हम ये जैसे हमने ये पहली लाइन बनाई थी सेम वैसी दूसरी लाइन बनाई है, ऐसे ही तीसरी चौथी जितनी भी आप लाइन है बनाए सब में पत्ती सेम बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। चार चैन की हमको एक रिंग बनानी है, फिर तीन चैन की बनानी है, दो चैन स्किप करनी है, दो ज्वाइंट स्किप करने, जैसे हमने बेस बनाया था उसके ऊपर सेम बिल्कुल ऐसे ही चार डबल क्रोशिया दो चैन चार डबल क्रोशिया चार डबल क्रोशिया दो चैन चार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पत्ती बनाते जाएंगे और पत्तियों का साइज हमें बढ़ाना नहीं है तो इसलिए इसमें आसान है कि बिल्कुल जैसे हमने ये जो दो लाइन है हमें ध्यान रखनी है, जो हमने बेस बनाया था चैन का और ये पत्तियों का, और यही पूरी ड्रेस में आप कितने भी बड़ी
कान्हा जी की पोशाक बनाए, छोटी बनाए, सेम इसी तरह से यही लाइनें दोहरती जाएंगी। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये सारी लाइन बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ये हम हर लाइन में हम शेड ऊन के चेंज करते गए हैं, लाइट से डार्क ऐसे, और सब लाइन में हर लाइन में एक ही तरह से बेस और पत्ती बनेंगी, बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाते जाना है। अब ये बनाने के बाद अब हम घेर कंप्लीट हो गया है, अब टॉप पर किनारी बना लेंगे। टॉप पर यहाँ पर बीच में से यहां से हम जोड़ेंगे ऊन, जो सबसे लास्ट में हमने रेड कलर यूज किया है उसी कलर से हम यहाँ पर किनारी बना लेंगे। इस तरह से ये हम यहाँ पर स्लिप नोट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम किनारे किनारे पे बस एक एक हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हम टॉप को एकदम सिंपल रखेंगे, सिर्फ बॉर्डर के लिए एक 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 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमें ये बनाते जाना है। इस तरह से ऐसे ये एक 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 सिंगल क्रोशिया यहाँ किनारे पर बना देंगे, पूरे गले पर और आगे इस वाले पोर्शन पर भी और बाहें पर भी, ये आर्म होल पर भी इसी तरह से हम ये बॉर्डर बना लेंगे। ये इस तरह से बाहें पर किनारी बनने के बाद हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये हमने साइज 3 के कान्हा जी की पोशाक के बेस पर ही हमने ये बनाई है पत्तियां। आप इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से पत्तियों को दोहराते हुए आप बड़े कान्हा जी की बनाएं तो ज्यादा लाइन बनेंगी पत्तियों की, छोटे कान्हा जी की बनाएं तो दो तीन लाइन में ही या एक लाइन में ही ये कंप्लीट हो जाएगी। और किसी भी साइज की आप पोशाक बनाएं, तरीका बिल्कुल यही रहेगा बनाने का। ये पोशाक आप किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एस्थी मॉम्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।